आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बिलारी स्थित बनिया खेर गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर है। वर्तमान समय में इस गांव की कमान प्रधान मोतिनी के हाथों में है। वर्तमान प्रधान के इस गांव में बात अगर आने वाले सभी तरीके के लाभों की करें तो ग्राम प्रधान द्वारा सभी पात्रों को पूरा लाभ मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी व जूनियर पाठशालाओं में इस गांव में लगभग 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम को बताया कि उनके द्वारा पानी की आपूर्ति कराने के लिए लगभग 55 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं। वहीं बिजली की व्यवस्था गांव में दुरुस्त कराने के उद्देश्य से 150 बिजली के पोल व 10 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम ने जब वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है। इसी के साथ गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से शौचालयों का निर्माण करवाकर भी पात्रों को वितरित किया जा चुका है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र व एक शमशान घाट की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, जिससे ग्रामीणों को होने वाली तकलीफों से उबारा जा सके। मैं ग्राम प्रधान मोतिन देवी पुत्र अशोक कुमार यादव, ग्राम पंचायत बनिया टेर विकास खंड बिलारी, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। देखिए, हमारी ग्राम पंचायत बनिया टेर में काफ़ी विकास हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय भी बनाए गए हैं और रोड भी डलवाए गए हैं और काफ़ी विकास की जो गतिविधियां हैं वो हमारी ग्राम पंचायत को मिली हैं। बाकी कुछ समस्याएं भी हैं हमारी ग्राम पंचायत में जो हमें नहीं मिल पा रही हैं अभी, जैसे कि बारात घर है और आंगनवाड़ी केंद्र है और स्वास्थ्य की सेवाएं हैं और बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि हमारी ग्राम पंचायत को अभी नहीं मिल पाई हैं। और शौचालय अभी हमारी ग्राम पंचायत में 4 गांव लगते हैं, एक गांव में का काम लगभग पूरा हो चुका है, अभी हुआ नहीं है और 3 गांव बाकी रह गए हैं अभी शौचालय बनने से। तो हमारी यही मांग है केंद्र सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी हमारे जो भी ग्राम पंचायत में जो भी विकास की गतिविधियाँ हैं, शौचालय हैं और भी समस्याएं हैं, उनके समाधान हेतु कुछ प्रोत्साहन दें। वहीं ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से वर्तमान प्रधान के द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और उनके कार्यों से खासा खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रधान बेहतर तरीके से गांव में विकास कार्य करा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बंद बस्ते में पड़ी नजर आती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गांव के लिए जल्द से जल्द फंड दुरुस्त कराएं, जिससे गांव में होने वाली सभी दिक्कतों को ग्राम प्रधान द्वारा समाप्त किया जा सके। मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं यहाँ के स्थानीय निवासी हूँ और हमारे गांव में प्रधान जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पर हमारे गांव के नाले खरंजे बहुत, यहाँ की स्थिति खराब है और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अभी प्रधान जी खाते पैसा नहीं आया है, इसलिए इस गांव में अभी विकास नहीं हो पाया। बरसाती मौसम में यहाँ पर नाले बिल्कुल भर जाते हैं कीचड़ से और निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। रामवीर सिंह अलापुर ग्राम अलापुर के रहने वाले बने थे, वो पढ़ते हुए ग्राम पंचायत हमारी, मतलब हमारे यहाँ शमशान भूमि में बनी हुई गाँव है, बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसमें बारिश होती है तो तिरपाल तान के वगैरह मतलब चेतावनी करते हैं।